नमस्कार दर्शकों, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्याज की, चूंकि प्याज का एक्सपोर्ट चालू हो गया है। हमारे साथ में प्याज के जो एक्सपर्ट व्यापारी हैं, इनसे समझेंगे कि प्याज की क्या कंडीशन है, मंदसौर के अंदर जो है प्याज कितनी आवक होती है और कितना क्या यहाँ भाव जा रहा है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट होगा उसके पीछे क्या कारण है, उसके बाद में क्या कीमतें बढ़ेगी कम होगी। हमारे साथ में मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आपको मार्केट टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। प्याज का सुना है एक्सपोर्ट चालू हो गया है। एक्सपोर्ट कंफर्म नहीं है, बाकी एक्सपोर्ट चालू होने की संभावना है। बाकी बांग्लादेश और जो इधर जो चलने वाला है वहाँ नहीं हुआ है, और दूसरी 6 प्रांतों में आदेश करा है। पर ये न्यूज फेक न्यूज दिख रही है मेरे को अभी, और अगर कन्फर्म हुई तो इसका रेट बढ़ेगा और आगे आने वाला समय भी तेजी का रुख ही है। पर अभी कोई तेजी का रुख अभी बना नहीं है, बाकी तेज हो जाएंगे बाजार और प्याज में भविष्य अच्छा है। तो अभी हमको जो खबर लगी है कि वो सफेद प्याज जो है, जो अधिकतर गुजरात में होता है, उसका एक्सपोर्ट चालू हुआ है, तो कंफर्म है वो सही है। सफेद प्याज का एक्सपोर्ट हुआ है और लाल का भी होना ही निश्चित है, होना ही है। पर अभी चुनावी माहौल है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसका कुछ मालूम नहीं गिर रहा है अभी। अगर एक्सपोर्ट चालू होता है, मान लीजिए एक्सपोर्ट चालू हो जाता है या बाहर निर्यात किया जाता है, तो प्याज पे अपने यहाँ क्या असर पड़ेगा, खासतौर से मालवा? निर्यात होगा तो भाव में तेजी रहेगी, निश्चित रहेगी। निर्यात होना चाहिए, निर्यात पे ही डिमांड आती है। उन देशों में भाव का कोई वो नहीं है, कोई 100 रुपए 125 रुपए 150 रुपए किलो तक की वहाँ पहुँच डिलीवरी रहती है, और यहाँ पर रहता है 10-12 रुपए 15 रुपए किलो। तो क्या डिफरेंस बहुत है। अगर निर्यात होता है तो किसानों को फायदा है। अभी अपने यहाँ कितनी आवक पर डे हो रही होगी? 2,000-3,000 कट्टे पर डे आ रहे हैं। क्या भाव रहा है? भाव आज नीचे में 5 रुपए, ऊपर में 15 रुपए तक जा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि निर्यात चालू हो जाता है या जो भी होता है, तो अपने यहाँ जो है इसका असर जैसा आप बोल रहे हैं तेजी आएगी, कितनी तेजी आ सकती है? तेजी कम से कम 25 रुपए प्याज हो जाएगा अगर निर्यात होता है तो। अपने यहाँ क्या सीजन, किस सीजन में सबसे ज्यादा प्याज आता है? क्या वो नासिक का ज्यादा आता है, ये देशी कम आता है। तो अपने यहाँ लगता है कि भाव में अब निश्चित तेजी आएगी, बस यही एक्सपोर्ट होना चाहिए। ये भी समझ में आ रहा है कि प्याज का रकबा है जो थोड़ा कम है, ऐसे ही रकबा कम है, कई जगह है ज्यादा और कहीं है कम, और कहीं सपाचट है, कहीं है ही नहीं बिल्कुल ही। पर बाकी नासिक में है अच्छा प्याज, खासा प्याज है, बाकी तेजी निश्चित है, ये मेरे को लगता है बस। चलिए, तो मुकेश जी है, इनका कहना है कि जो नासिक का प्याज है वो ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, और मालवा का जो प्याज है वो यही बाजार में खप जाता है, लेकिन जो प्याज है उनकी कीमतें बढ़ना निश्चित बता रहे हैं। अगर जो निर्यात का है वो बाजार खुलता है तो निश्चित तौर से प्याज में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।